हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फिक्सेशन के बारे में, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के फिक्सेटिव होते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, उसके बाद साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव और तीसरा होता है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज उसी के पोर्शन में हम लोग आगे की ओर बात करेंगे साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। नंबर दो था साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव का यूज हम लोग करते हैं सेल्स के इंट्रा सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को प्रिजर्व करने के लिए। इट इज यूज preserve the intracellular constituent। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्सेटिव होते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, क्योंकि सेल्स के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनको फिक्स करने का काम यह करता है। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव को भी आगे चल के सब डिवाइड में बांटा गया है, इसको सब डिवाइड में, इस ग्रुप में बांटा गया है, जो सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियर फिक्सेटिव बी है, साइटो प्लाज्मिक फिक्सेटिव हम फिर से बात करेंगे। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव वो फिक्सेटिव होते हैं जो कि सेल्स के इंट्रासेलुलर कंस्टिट्यूएंट को प्रिजर्व करने के काम में आते हैं। इसको सब डिवाइड किया गया है, इनको दो ग्रुप में फिर से बांटा गया है, न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर फिक्सेटिव। न्यूक्लियर नाम से ये पता चलता है कि हम यहाँ पर सेल्स के जो न्यूक्लियर पार्ट होते हैं, जैसे कि क्रोमेटिन वगैरह होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। न्यूक्लियर फिक्सेटिव, न्यूक्लियर फिक्सेटिव में सबसे पहले जो फ्लूइड यूज होता है एज अ न्यूक्लियर फिक्सेशन के तौर पे, उसका नाम है कार्बाइड फ्लूइड। कार्बाइड फ्लूइड हम अब इसमें कंपोजिशन देखेंगे कि किन किन चीजों से मिलके इस फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ है। एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल 60 ml यूज हुआ है, क्लोरोफॉर्म 30 ml यूज हुआ है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
टेनिंग। इन तीन चीजों से मिलके कार्बनाइज क्लोज का फॉर्मेशन हुआ है जो कि एक न्यूक्लियर फिक्सेटिव है। इसके स्पेसिफिक फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या क्या है, इसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, इट पेनिट्रेट्स वेरी रैपिडली एंड गिव एक्सेलेंट न्यूक्लियर फिक्सेशन। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है न्यूक्लियर को फिक्स करने के लिए। ग्लाइकोजन प्रिजर्व गुड फिक्सेटिव फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स करने का काम करेगा। इट कॉजेस कंसिडरेबल श्रिंकेज, तो हम लोगों ने बात किया था कि जब किसी भी टिश्यू को हमारे बॉडी से लिविंग बॉडी से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, तो वहां पे ऑटोलिसिस और डिकम्पोज हो रहे हैं, यानी कि वहां पे वो सेल्स अपने एब्नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन से एब्नॉर्मल कंडीशन की ओर बढ़ने लगता है, तो वहां पे क्या होता है, श्रिंकेज वगैरह की भी कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये जो कार्बनाइज फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियर फिक्सेटिव होता है वो वहां पर उसके श्रिंकेज को कम करने का काम करता है। कार्बनाइज फ्लूइड के थ्रू जब फिक्सेशन हम करेंगे तो ये फिक्सेशन कंप्लीट करता है नियर अबाउट 12 आवर 12 घंटे में। दीज आर कार्बनाइज फ्लूइड विच इज अ न्यूक्लियर फिक्सेशन। क्लास फ्लूइड का कंपोजिशन एब्सोल्यूट अल्कोहल, ML 75, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यहां पर क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं है, जबकि कार्बनाइज फ्लूइड में क्लोरोफॉर्म का भी यूज था। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 25 दीज आर कंपोजिशन ऑफ क्लास फ्लूइड विच इज अ न्यूक्लियर फिक्सेटिव। अगर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, द फिक्सेटिव पेनिट्रेट्स रैपिडली एंड गिव गुड न्यूक्लियर फिक्सेशन एंड इफेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक
फिक्सेटिव, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। ये फ्लूइड कॉर्पुलर फ्लूइड ये एक्सीलेंट फिक्सेटिव होता है स्मियर्स के लिए, कवर स्लिप के लिए, जबकि हम सेल का कल्चर लगाते हैं। सेल कल्चर लगाने के लिए जब हम उसको फिक्स करना होता है तो उसके लिए भी क्लार्क फ्लूइड यूज करते हैं। इट इज अ गुड फिक्सेटिव फॉर स्मियर एंड कवर स्लिप एंड कवर स्लिप फॉर कल्चर ऑफ सेल्स। दीज आर द क्लार्क फ्लूइड फीचर्स। ये क्लार्क फ्लूइड के फीचर्स हैं। नंबर थर्ड है न्यू कॉमर्स फ्लूइड। तीसरा नंबर का फिक्सेशन है न्यूक्लियर फिक्सेटिव। कंपोजिशन की बात करेंगे आइसोप्रोपेनॉल 60 ml, आइसोप्रोपेनॉल 60 ml, प्रोपियोनिक एसिड 40 ml, पेट्रोलियम ईथर 10 ml, एसीटोन 10 ml, डायोक्सिन 10 ml। दीज आर द कंपोजिशन ऑफ न्यू कॉमर्स फ्लूइड विच इज अ न्यूक्लियर फिक्सेटिव। अब हम इसके स्पेसिफिक फीचर्स की अगर बात करेंगे, दीज आर penetrate rapidly and give, these are penetrate rapidly and give good results for chromatin. क्रोमैटिन को प्रिजर्व करने के लिए न्यू कमर्स फ्लूइड बहुत ही अच्छा फिक्सेटिव माना जाता है। गुड फिक्सेटिव फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूको पॉलीसेक्राइड्स। ये आपके न्यूक्लियर फिक्सेटिव के बारे में बात की, जिसमें कि तीन फ्लूइड्स यूज होते हैं, कार्बोनेट फ्लूइड होता है, क्लार्क फ्लूइड होता है और न्यूकमर्स फ्लूइड होता है। इन सब के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में एक ही फ्लूइड जनरली यूज होता है जिसको कि चैंपियंस फ्लूइड बोला जाता है।
चैंपियंस फ्लूइड। कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे करने का काम करते हैं। बफर फॉर्मेलिन
ज्यादा कॉमन है, वो ज्यादा यूज होता है फॉर द हिस्टोकेमिकल हिस्टोकेमिकल सब्जेक्ट। यानी कि इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, बफर फॉर्मेलिन, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड रूटीनली यूज फॉर द हिस्टोकेमिकल टिश्यू। दूसरा जो फिक्सेटिव यूज होता है वेपर फिक्सेटिव, वेपर फिक्सेटिव में फॉर्मल्डिहाइड को या पैरा फॉर्मल्डिहाइड को हम 50-80 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, यहाँ से वेपराइजेशन होता है, उस वेपराइजेशन के थ्रू हम टिश्यू के ब्लॉक को या उस सेक्शन को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। अब आज के लिए इतना ही, आज ये हम लोगों का फिक्सेटिव टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।